بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। पिछले दर्स के अंदर नमाज के वाजिबात के बारे में आपको बताया था कि नमाज के वाजिबात जो हैं वो 14 हैं। उसकी थोड़ी सी वजाहत मैंने पेश की थी इजमालन, तो आज उसकी तफसीलन ज़रा वजाहत करते हैं कि सईदा साहब किस सूरत में वाजिब होता है। तो सबसे पहली सूरत ये है, अगर नफल की किसी रकत और फ़र्ज़ों की इब्तदाई दो रकतों में से किसी में कोई आदमी सूरत फातिहा पढ़नी भूल गया है तो सईदा साहब करना पड़ेगा। यानी नफल की किसी रकत में और फ़र्ज़ों की इब्तदाई जो पहली रकत हैं इनके अंदर कोई आदमी सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया है, जानबूझकर नहीं, अगर भूल गया है, उसने सूरत पढ़ दी और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी भूल कर, तो उसको बाद में याद आया तो उसको सईदा साहब करना पड़ेगा। सईदा साहब करने से उसकी नमाज हो जाएगी। ये फ़र्ज़ों की जो पहली दो रखते हैं, आखिर की जो दो रखते हैं इसमें अहनाफ के यहाँ सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, और पहली दो जो रखते हैं उनके अंदर सूरह फातिहा पढ़नी वाजिब है। अगर आखिरी दो रखतों में कोई आदमी पढ़नी भूल गया तो उससे नमाज के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, सूरह फातिहा की कोई एक आयत छोड़ देना। कोई आदमी जिसने सूरह फातिहा शुरू की उसमें से उसने कोई एक आयत छोड़ दी तो उस पर भी सूरह सजदा साहब जो है करना वाजिब है। और चौथी बात ये है, अगर शुरू नमाज में किसी ने सूरह फातिहा पढ़ना भूल कर कोई और सूरत पढ़नी शुरू कर दी तो याद आने पर उसे चाहिए कि पूरी सूरत पढ़ने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिला ले और नमाज के आखिर में सजदा साहब कर ले। दोबारा सुन ले, सूरह फातिहा की जगह कोई और सूरत पढ़ लेना। अगर शुरू नमाज में किसी ने सूरह फातिहा पढ़ना भूल कर, यानी जब अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ना था तो भूल कर कोई और सूरत पढ़ना शुरू कर दी तो याद आने पर उसे चाहिए कि पूरी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिला ले और नमाज के आखिर में सईदा साहब कर ले। पांचवीं बात, फ़र्ज़ नमाजों में सूरह फातिहा का तकरार करना। अगर फ़र्ज़ की इब्तदाई दो रकतों में या सुन्नतों और नवाफल के अंदर किसी रकत में सूरह फातिहा या उसका अक्सर हिस्सा लगातार मुकर्रर पढ़ता गया तो उस सूरत में भी सईदा साहब वाजिब होगा। यानी सूरह फातिहा पढ़ना एक मरतबा वाजिब है, किसी आदमी ने दो मरतबा पढ़ ली या सूरह फातिहा का अक्सर हिस्सा पढ़ लिया तो फिर इस सूरत में के अंदर भी सजदा साफ करना वाजिब है। सजदा साफ करने से नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। और छठी बात यह है, नवाफल और सुन्नतों में और तरावी में सूरह फातिहा या उसके किसी जुज़ के तकरार से सजदा साफ लाजम नहीं आता। सातवीं बात, सूरत मिलाने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना। सूरत मिलाने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ी उसके बाद कोई सूरत मिला ली और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी तो उसका क्या हुक्म है? अगर शुरू नमाज में पहले सूरह फातिहा पढ़ी फिर कोई सूरत मिलाई और फिर इसी रकत में दोबारा सूरह फातिहा पढ़ ली तो इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अब उसने सूरह जो फातिहा है बतौर वाजिब जो पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी, ये वैसे कुरान का एक हिस्सा उसने तिलावत किया। आठवीं बात, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाए बगैर रुकू में चला गया, यानी उसने सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद कोई सूरत उसने कुरान हकीम के नहीं मिलाई, फिर हाल रुकू या खड़ा होने के बाद उसे भूल का एहसास हुआ तो उस पर लाजम है कि सजदे में जाने से पहले सूरत मिलाए, यानी सजदा में जाने से पहले
सुर मिलाए, फिर दोबारा रुकू करे और आखिर में सजदा कर ले। इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नौवीं बात, कोमा और सजदा में जल्दबाजी। कोमा कहते हैं कि रुकू करने के बाद दोबारा खड़ा होना और एक सजदा करने के बाद दोबारा बैठना, इसको जलसा कहते हैं। अगर किसी ने अपनी नमाज में इस कदर जल्दबाजी की कि कोमा और जलसा की हालत में बकदर एक तस्बीह भी नहीं बैठा, तो तर्क वाजब की वजह से उस पर सजदा साहब लाजम है। यानी रुकू करने के बाद कम अज़ कम एक मरतबा सुबहान रबी अज़ीम की मकदार उसको खड़ा होना चाहिए। इसी तरह एक सजदा करने के बाद कम अज़ कम सुबहान रबी आला की मकदार पढ़ने के बराबर उसको चाहिए कि वो बैठे। अगर वो उसके अंदर नहीं बैठा तो इसे उसको सजदा साफ करना पड़ेगा। दसवीं, किसी रकत का भूला हुआ एक सजदा अगली रकत में। हर रकत में दो सजदे फ़र्ज हैं और दोनों का एक साथ अदा करना वाजिब है। अगर किसी शख्स ने किसी रकत में भूले से एक सजदा छोड़ दिया, फिर नमाज के दौरान ही अपनी भूल का एहसास हो गया, तो उसे चाहिए कि भूला हुआ सजदा दौरान नमाज ही अदा कर ले, यानी जब उसको याद आए और आखिर में सजदा साफ कर ले। इस तरह दीगर अरकान को दोहराने की ज़रूरत नहीं। यानी एक सजदा किया फिर भूल गया और फिर उसको नमाज के दौरान याद आया बैठे, तो वो उस सजदा को अदा कर ले, बाकी जो बातें हैं बाकी अरकान के अदा करने की ज़रूरत नहीं। एक सूरत मसला ये है, कादा में बैठते ही बिला तवक्कुफ तशहुद पढ़ना वाजिब है। यानी अत्तहियात में अंदर कोई आदमी बैठा है तो बैठते ही उसको तशहुद को पढ़ना वाजिब है। लिहाजा तशहुद शुरू करने से पहले अगर कुछ पढ़ लिया तो वाजिब मालूम है, तखीर की वजह से सजदा साहब वाजिब होगा। यानी उससे पहले कोई चीज़ उसने पढ़ ली, तशहुद पढ़ने से, तहियात पढ़ने से पहले कोई और चीज़ पढ़नी शुरू कर दी, तो इस तखीर की वजह से, यानी वाजिब को तर्क कर देने से और वाजिब को मुकर्रर यानी तकरार करने से और वाजिब के अंदर तखीर से, ये तीन वजह होती हैं जिसकी वजह से सजदा साहब लाजम होता है। यानी एक तो सजदा वाजिब को भूले से तर्क कर देना, दूसरा ये है कि तखीर करना, तीसरा है कि किसी वाजिब को उसको उसका तकरार करना। यानी सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़नी वाजिब है, तो किसी शख्स ने जो है वो दो मरतबा पढ़नी शुरू कर दी, तो तकरार करने से, तखीर से और सजदा वो किसी वाजिब को सहवन भूल जाने से वो सजदा साहब करना ज़रूरी है, तीन वजहों से। कायदा उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। जो कायदा उला होता है, चार रकते आदमी पढ़ रहा है, जो कायदा पहला कायदा आदमी बैठता है अत्तहियात, कायदा के अंदर बैठने को अत्तहियात के अंदर बैठता है, तो अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज के कायदा उला में तशहुद पढ़ने के बाद भूल से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और आला आली मुहम्मदिन तक पढ़ लिया, तो सजदा साहब वाजिब होगा, यही राज कौल है। यानी कोई आदमी पहले कायदा के अंदर बैठा है तो अत्तहियात वस्सलावात व तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युह नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ के उसको तीसरी रकत के लिए खड़ा होना है। लेकिन वो भूले से पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ तक पढ़ा है उसको याद आ गया तो वो फिर सजदा साफ करना ज़रूरी नहीं। लेकिन उसने पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, या पूरा एक पढ़ लिया मुहम्मदिन तक, तो फिर उसको सजदा साफ करना पड़ेगा। एक और बात है, चौदहवीं बात यह है, कायदा उला में तशहुद का तकरार। अगर फ़र्ज़ नमाज के कायदा उला में तशहुद को दोबारा पढ़ लिया तो वाजिब अमल तकरार की वजह से सजदा साहब वाजिब हो गया। यानी पहले जो पहला कायदा है उसके अंदर कोई आदमी बैठा है तहियात वसलवात हो तई बात हो, इसको एक मरतबा पढ़ा फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, तो तकरार की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा था कि वाजिब के तकरार करने से भी सजदा साहब
वाजिब हो जाता है। तो किसी आदमी ने दोबारा इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से भी वो उसको सजदा साफ करना होगा। कादा अखीरा में तशहुद का तकरार, 15वीं बात, अगर कादा अखीरा में तशहुद अत्तहियातु दो मरतबा पढ़ ली तो सजदा साफ ज़रूरी नहीं, क्योंकि पहली मरतबा पढ़ने से वाजिब अदा जो अदा हो जाएगा और दूसरी मरतबा पढ़ना जिक्र शुमार होगा जो कादा अखीरा में ममनू नहीं है। यानी तशहुद जो है अखीर आखिरी जो कादा उसके अंदर किसी आदमी ने अत्तहियात एक दफ़ा वर्ड पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ लिया तो इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। लेकिन जो पहला कायदा है उसके अंदर अगर कर किसी ने तशहुद को दो मरतबा पढ़ लिया तो सजदा साहब करना होगा। 6वीं बात, कायदा उला का सहव तकर सहव जो है तर्क कर देना, यानी कोई शख्स भूल कर कायदा उला करने के बजाय खड़ा हो गया तो इस सूरत में जब तक खड़ा होने के करीब ना हो तो वो लौट आए, लेकिन अगर नहीं लौटा या खड़े होने के करीब पहुंच कर लौटा तो इस सूरत में सजदा साफ लाजम है, ख्वाह फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो। यानी कायदा उला जो है उसके अंदर बैठना था तो वो सीधा खड़ा हो गया, अगर बैठने के करीब है तो बैठ आए, लेकिन अगर खड़ा सीधा खड़ा हो गया है तो फिर अब लौटना चाहता है तो अगर वो वापस लौट आया तो उस पर सजदा साहब जो है ना करना लाजम है। 17वीं बात, सिरी नमाजों में कितनी आयात का जहरन पढ़ना मूजब सजदा साहब है। अगर सिरी नमाज यानी जो आसान नमाज है आस्था पढ़ी जाती हैं, यानी जोहर की और असर की, सिरी नमाजों में यानी जोहर असर में तीन आयात या बकदर तीन आयात एक लंबी आयत का ऊंची आवाज़ से किरात करने पर सजदा साहब लाजम है। किसी शख्स ने ऊंची आवाज़ से नमाज शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तीन आयतें अगर उसने पढ़ ली, हाँ जी, या एक आयत लंबी उसने आयत पढ़ दी तो ऊंची आवाज़ से, तो इस पर जो है सजदा साहब लाजम होगा। जहरी नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात, जो नमाज मगरब इशा है इसमें ऊंची आवाज़ से पढ़नी चाहिए और इमाम ने जो है ना वो आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया, अगर इमाम ने जहरी नमाज में भूल कर तीन आयात या बकदर तीन आयात एक लंबी आयत की आहिस्ता किरात कर दी तो तर्क वाजब की वजह से सजदा साफ लाजम होगा। यानी इसमें जहरन नमाज पढ़नी चाहिए थी लेकिन उन्होंने आहिस्ता पढ़नी शुरू कर दी, तो जब तक तीन अगर तीन आयतें पढ़ ली और तीन एक लंबी आयत पढ़ दी तो तर्क वाजब की, क्योंकि पढ़ना ऊंची आवाज़ से पढ़ना वाजब था तो तर्क वाजब की वजह से सजदा साहब लाजम होगा। 9वीं बात, 19वीं बात जो है 19, तशहुद या सना जहरन पढ़ ली तो सजदा साहब वाजिब नहीं। यानी इमाम साहब ने कहा सुबहानक अल्लाहुम्मा ऊंची आवाज़ से मगरब इशा में अगर किसी शख्स ने तशहुद अत्तहियात सना दुरूद शरीफ या तस्बीहा जहरन पढ़ ली तो अगरचे ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद ना तो नमाज फासद होगी ना सजदा साहब, इन चीज़ों के पढ़ने से ना सजदा साहब वाजिब नहीं होगा, यानी तहिया सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़ से पढ़ने से। वितर में दुआ कुनूत की तकबीर को छोड़ देना, अगर किसी शख्स ने वितर में तकबीर अल्लाह अकबर कहे बगैर दुआ कुनूत शुरू कर दी तो सजदा साहब वाजिब है। यानी उसने जो है कि अपना पढ़नी पड़ती है दुआ कुनूत अल्लाह अकबर कह के पढ़ना पड़ता है अल्लाहुम्मा नस्ताईनुक का, तो उसने बगैर उसके पढ़ने अल्लाह अकबर नहीं कहा अल्लाहुम्मा नस्ताईनुक शुरू कर दिए तो इस सूरत में के अंदर भी सजदा साफ करना पढ़ना पड़ेगा। वितर में दुआ कुनूत अगर कोई आदमी भूल कर रुकू में चला जाए, यानी वो कोई शख्स वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़े बगैर रुकू में चला गया तो इस सूरत में ना तो रुकू में दुआ कुनूत पढ़े और ना दोबारा खड़े होकर पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि अखीर में सजदा साफ कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। रुकू में चला गया तो अब उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं, अखीर के अंदर सजदा साफ कर ले तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सजदा साफ से पहले एक सलाम फेरना, सजदा साफ से पहले दाएं तरफ सलाम फेरना मसनून है, यानी सजदा साफ करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एक तरफ, जो शख्स सलाम फेरे बगैर सलाम फेर ले तो अगरचे सजदा साफ हो जाएगा मगर इस तरह करना अच्छा नहीं है। 23वीं बात, कायदा अखीरा के वक़्त भूल से खड़े हो जाना, आखिरी जो कायदा है वो दो रकत का हो या चार रकत का हो,
अगर कोई शख्स आखिरी कायदा में बैठने के बजाय खड़ा हो जाए तो इस पर लाजम है कि वह अगली रकत के रुकू से पहले पहले कायदा आखिर की तरफ लौट आए, आखिरी रकत से पहले पहले, आखिरी रुकू करने से पहले पहले और आखिर में सजदा साफ कर ले। अगर कायदा की तरफ ना लौटे और सजदा कर ले तो एक रकत मजीद पढ़कर सलाम फेरे। इस सूरत में उसकी आखिरी दो रकतें नफल हो जाएंगी और फ़र्ज़ दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। आखिरी कायदा में सलाम फेरने के बजाय खड़ा हो जाना। अगर कोई शख्स आखिरी कायदा में बैठने के बाद फिर तीसरी या पाँचवीं रकत के लिए खड़ा हो गया तो इसका फ़र्ज़ अदा हो गया, यानी बैठने के बाद उसने तहियात पढ़ ली थी उसके बाद खड़ा हुआ है तो इसका और हुक्म है। लेकिन कोई शख्स अभी चौथी रकत के बाद बग़ैर बैठे खड़ा हो जाता उसकी नमाज नहीं होगी और आखिर में सजदा कर साफ कर ले। और अगर पाँचवीं रकत का सजदा कर लिया तो उस सूरत में बेहतर ये है कि छठी रकत भी साथ मिला ले ताकि आखिर की दो रकतें नफल हो जाएं, लेकिन सजदा साफ बाहर सूरत जो है वो लाजम होगा। तो ये 24 बातें मैंने बतलाई हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें रहती हैं कि किस किस कर पर सजदा साफ करना है तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ और अगले दर्स के अंदर बात करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।